बिहार के गया जिले के मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खाजवती गांव में व्यवसायी शशिकांत गुप्ता उर्फ छोटू को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। छोटू खाजवती से मोबाइल की दुकान चलाता था। छोटू को अपराधियों ने मोबाइल पर फोन कर बोधगया आने को कहा और इस घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश राज है। उनका लड़का का नाम शशिकांत है, वो छोटू है, उसका नाम छोटू है। क्या हो गया इनके साथ? उनका हत्या कर गोली मार दिया गया। कहाँ पर की ये घटना? नगेश्वर मोड़ के पास मार दिया, खजबत्ती का नगेश्वर मोड़ के पास। वजह किसने मारा कुछ पता चला? किसने पर मारा को नहीं पता। ये क्या करते थे? मेरा भाई उनको दुकान करता था। क्या चीज़? मोबाइल का दुकान था, गणेश चक पसवान चौक के पास दुकान। क्या पुलिस में दर्ज किया मामला? हाँ, पुलिस में दर्ज किया है ना, अभी तक उसका जारी है, पता नहीं चला है। वहाँ पे घटना जो है, इसको फ़ोन करके बुलाया गया है, फोन के बाद इस तरह का घटना किया गया, जबकि इसका फ़ोन संबंधी हम पुलिस को हम लोग दिए हैं, इसका मोबाइल भी उनको पुलिस को दे दिया गया है। और रही बात तो हम लोग पूरे ये मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह के जो घटना हो रहा है हम लोग व्यवसाय के साथ, जो उसे पूर्ण रूप से उसका जांच हो और जो सजा है, जो सजा होता है इस तरह का घटना में, उसे कड़ी से कड़ी मैंने सजा दिया जाए। और अभी हम लोग स्थानीय जो वहाँ लोग हैं, सारे लोग बंदी किए हुए हैं। अभी हम लोग मान लिया जाए यहाँ पर घटना के बाद मगध मेडिकल में आए हैं, जो अभी बॉडी के लिए बॉडी अभी तक पूर्ण रूप से ये काम है वो पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग स्थान पे जाएंगे। क्या वजह है, क्या लगता है आप लोगों को, किसने हत्या की होगी? हत्या के लिए साजिश की तरह हत्या किया गया, जैसे फोन करके। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के गिद्राही में नहर में डूबने से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गिद्राही निवासी दिलीप मंडल का 8 वर्षीय बेटा आदिल कुमार कल शाम से ही लापता था, जिसकी काफी खोजबीन की गई, कहीं सुराग नहीं मिला। इस बीच सुबह सवेरे नहर में आदिल कुमार की लाश मिली। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना यह वार्ड नंबर 10 गिद्राही में घटी है, जो दिलीप मंडल का पुत्र आदिल कुमार उर्फ आदित्य कुमार, जो नहर के पानी में डूबने से उसका मृत्यु हो गया। उम्र लगभग 8 वर्ष है। नहाने गया था क्या? हाँ, नहाने 4 बजे कल ही गया था, पता नहीं था कि नहाने के लिए गया है। खोजबीन काफी करने के बाद पता चला कि नहर में गया था नहाने, वहाँ कपड़ा रखा था, उससे पहचान हुआ कि मेरा बेटा नहर में डूबा है, तो काफी खोजबीन के बाद नहर में मिला है। घटना यह वार्ड नंबर 10 गिद्राही में घटी है, जो दिलीप मंडल का पुत्र